हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ डाउट्स आए थे प्लस वन क्लास और फर्स्ट यूनिट है भाई, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। बस उसमें क्या, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की आपने कैलकुलेशन करनी है, बहुत ही बेसिक है। ये पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हवा बना रखा है, बस तीन ही बातें हैं इसके अंदर और वो क्या है, 6 सेकंड में आप समझ जाओगे क्या है। वन मोल क्या है, एक वन मोल कंप्लीट क्वांटिटी है। अगर क्या है, किसी को नंबर में काउंट करना है तो आप कह दो 6.022 × 10²³। और ये जिसको भी आप काउंट करें, एटम्स, आयंस, पार्टिकल, सब्सटेंस, उसके लिए राइट। सेकेंड थिंग्स क्या है, अगर आप वेट में काउंट कर रहे हो तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट है या फिर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, H2O का लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 U, तो मोलर मास क्या होगा इसका, 18 ग्राम। बस सेकेंड बात ये है। थर्ड क्या है, अगर गैस है, कोई गैसेज है, तो गैस के लिए आप क्या लोगे, वन मोल के अंदर क्या लोगे, 22.4 लीटर राइट। बस ये तीन बातें हैं इसके अंदर, इनके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है, बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। ये बहुत ज्यादा एक हवा टाइप बना रखा, पता नहीं क्यों ये टीचर्स ने ही बना रखा है क्या मोल कॉन्सेप्ट। एक तो टीचर्स में देख रहा था यूट्यूब पर क्या कह रहे थे कि 10 इसके ऊपर क्या है, 10 वो बनेंगी भाई वीडियो बनेंगी इसके ऊपर क्या है, 10 स्टेप होते हैं, इतने होते वो होते, कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स। तो क्या है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास सेंड कर दो, पहले आप क्या वीडियो देखो जो मैंने करवाई है, उनमें क्लियर हो जाएगा सभी, नहीं तो मेरे पास भेज दो। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी क्या प्रॉब्लम, हम आपको क्या है स्टिक सॉल्यूशन देंगे बहुत ईजी, इन्हीं तीन बातों से क्या है तो दे देंगे। जैसे क्या, 1 दर्जन होते हैं, 1 दर्जन में 12 चीज होती है, ऐसे ही क्या है 1 मोल में इतनी चीज होती है, बस इतनी ही बात है और इसके अंदर कुछ है ही नहीं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर राइट। तो उसके बाद क्या है, स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है, एक यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन जो हम कर रहे थे, यूनिटरी मेथड जो आपको फोर्थ और क्या है फिफ्थ स्टैंडर्ड में सिखा जाता है, बस वही है उसके अकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे राइट, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कैलकुलेशन। और नंबर ऑफ मोल्स निकालना आपकी 9th क्लास में भी आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास या फिर वेट बाई मोलर मास, बस किसी भी वस्तु का, या गिवन वेट कह देते हैं इसको, दे भी देता है नहीं भी देता, कई बार ये दोनों दे देता है और ये पूछ लेता है। तो क्या है, बस इसमें 2-3 बातें, यही बात है इसके अंदर क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। चलो डाउट ये देखते हैं भाई, ये जो क्वेश्चन जो ये डाउट्स आए हैं ये देखते हैं कि इसे लिमिटिंग रिएजेंट से आए हैं भैया, ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का एक डाउट है। उसके बाद स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमने इसके अंदर करनी होती है और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या भाई, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि क्या कह रहा है भाई, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस है हमारे पास और 10 किलोग्राम क्या हाइड्रोजन गैस मिक्स्ड मिक्स्ड हो रही है, टू प्रोड्यूस, मिक्स होगी तो क्या रिएक्शन होगी वो आप समझते ही हो, प्रोड्यूस क्या होगा भाई, अमोनिया गैस। आपको सभी को पता है हैबर प्रोसेस होता है, वहां पर क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, अमोनिया गैस बन जाती है राइट ठीक है, अमोनिया होम। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा जिसकी लिमिट में अमाउंट होगी, जिसकी लिमिट लग जाएगी भाई, क्या है अमाउंट कम होगी, विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बस इतनी ही डेफिनेशन है लिमिटिंग रिएजेंट की इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया रिएक्शन। भाई पहले हमने क्या है मोल्स में क्या है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया, पहले हमने क्या है अमोनिया के मोल्स कैलकुलेट करने और इसी में क्या लिमिटिंग रिएजेंट बताना, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या कह रही थी, हमने क्या ऐसे काम करना भाई, यहाँ पर क्या है ये 1 मोल है नाइट्रोजन गैस का, ये 1 मोल है, ये हाइड्रोजन का 1 मोल है, यहाँ पर ये क्या प्रोडक्शन जो हो रहा है ये अमोनिया का 1 मोल है, बट ये क्या रिएक्शन क्या बैलेंस नहीं है, आप समझ ही रहे हो, सारी की सारी रिएक्शन हमने बैलेंस लेके चलना। देखो N2 यहाँ 2 है तो यहाँ डबल कर दो राइट। अब हाइड्रोजन देखो 2, 3 6 हो गए तो यहाँ पर 3 कर दो राइट, ये क्या है +3 H2, ये हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस हो गई।
अब इसके बाद क्या, इसको हम कैसे कह सकते हैं भाई, क्या वन मोल, ठीक है, वन मोल नाइट्रोजन किसके साथ मिलके, थ्री मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या है, टू मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। मोल लिख लो भाई, मोल्स ऐसे लिखा जाएगा मोल, ठीक है, यूनिट फॉर्म में लिखते तो ये नहीं लगाते। तो क्या है, इतने मोल यानी के किसके, एक मोल नाइट्रोजन टू दो मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके दो मोल नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, आपने लिमिटिंग रिएजेंट देखना, तो हम इसका मास देख लेते हैं भाई, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मोल का कितना हो जाएगा 14 ग्राम, और ये N2 है भाई, तो N2 है तो क्या हो गया 28 ग्राम, राइट, मोलर मास ले रहे हैं, मोल्स की फॉर्म में लेंगे। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ये 2 है, 2 और ये 3 हो गए, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अमोनिया का भी हम देख लेते हैं, अदरवाइज देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। चलो देखो, ये भी गैस है, राइट, ये भी गैस है, और क्या है, ये भी गैस है। मैं इसमें पूरा ही कॉन्सेप्ट करवा लेता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन का 1 और ये 3 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 17 और ये क्या 2 टाइम्स है, तो कितना हो गया 34 ग्राम, राइट। अब गैस है, तीसरी बात और देख लो भाई, मोल से रिलेटेड थर्ड क्या भाई, अगर ये कह रहा है कि इसमें वॉल्यूम ले रहा है, तो ये क्या होगी 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। अब ये 3 है, तो क्या करोगे 3 × 22.4 लीटर। अब ये 2 है, तो क्या करोगे 2 × 22.4 लीटर। बस ये सारी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट की आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब देखो पूछा क्या है, क्या कह रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आप यूनिटरी मेथड से देख सकते हो, क्योंकि देखो अब कंप्लीट क्या है, रिएक्शन कंप्लीट होने में क्या है 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। क्वेश्चन क्या भी हमारा, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना 6 ग्राम हाइड्रोजन क्या है रिएक्शन कर रहा है। तो यहां से क्या हम देखेंगे भाई, हमारे पास क्या है 50 किलोग्राम 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है, या ये देख सकते हो आप, या इस साइड से भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई देखो 28 ग्राम N2, ठीक है, रिएक्ट विद 6 ग्राम H2, राइट। उसके बाद क्या है, ये क्या भाई 50 केजी है, तो ग्राम में करो, बस हो गया ग्राम में, बहुत ईजी है ये, आपको सिंपल सबको पता, ये कुछ बताने की जरूरत है नहीं भाई, किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बहुत सिंपल। उसके बाद क्या, इतने ग्राम N2 कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल ही यूनिटरी मेथड, आपको कुछ भी इसमें बताने वाली बात है ही नहीं, 28 × क्या करोगे 5000, राइट, ठीक है। अब इसको क्या है सोल्व कर दो, चलो ही सोल्व करेंगे। अब क्या है देखो 2, 3 ये क्या हो गया 14, राइट। उसके बाद क्या है, मैं 2 से इसको क्या है काट रहा हूँ, ये क्या है 7 हो गया, और यह क्या है 25000, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 50,000 का आधा 25,000 होता है, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या है, ये 3 है यहाँ पर, इसके क्या इसको इसे क्या कर दो काट दो, तो इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा 7 × 3 = 21, अब कितने बच गए 4, तो 5, अब 5 बच गए, उसके बाद क्या है 7 × 7 = और उसके बाद 1, राइट, इतना आ गया भाई, ठीक है। अब ये क्या, इतना इस पर कट गया, देखो 7 × 3 = 21, अब 4 बच गए, अब 0 हो गई, उसके बाद क्या 7 = 35, 35 फिर क्या 5 बच गए, और क्या है 57 × 7 = 49 और 1, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यस, कितना आ जाएगा 3, 1, 3 = 21 और ये क्या है 15 × 17 = 10, राइट, इतना आ गया, इतने ग्राम, ठीक है भाई। देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, अब हमारे पास कितनी थी
50,000 नाइट्रोजन थी, उसको रिएक्शन करने के लिए क्या है हमें इतनी 10,713 ग्राम क्या हाइड्रोजन गैस चाहिए। ये क्या हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, केजी में क्या है, ये हो गया केजी में, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, भी इतनी चाहिए हमें हाइड्रोजन गैस। क्या इसकी कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितनी, 50 ग्राम नाइट्रोजन की कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें क्या है 10.713 ग्राम किलोग्राम हमें क्या चाहिए हाइड्रोजन गैस चाहिए, बट हमारे पास है कितनी 10 ग्राम किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ये कम रह गई, तो यहाँ से क्या है हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या, जो कम अमाउंट में हो, लिमिट किसकी होगी, किसमें हाइड्रोजन की कम अमाउंट रह गई स्टूडेंट्स, तो ये क्या लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर ये आ गया, राइट। तो ये क्या हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हेयर हाइड्रोजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। आप इसको क्या है उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। क्या है 6 ग्राम हाइड्रोजन के कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस चाहिए, राइट। अब हमारे पास है कितनी 10 किलोग्राम, तो यहाँ क्या करोगे 1, 2, 3, ठीक है। इतनी ग्राम एस टू गैस के लिए कितनी चाहिए भाई 28 6 × 1, 2, 3, 4, राइट। बहुत ईजी, इसमें कुछ है ही नहीं बहुत बड़ी बात, मेरे को तो लग ही नहीं रही। उसके बाद क्या है, ये क्या होगा 14, ये क्या होगा 3, और 3 से इसको करोगे 3, 3, 3, 3, ठीक है। ऐसे 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 ये आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल पता है आपको, ठीक है ना। पहले 100 में से मार्क्स आते थे, कहते थे भाई 100 में से 33 नंबर आ गए पास, ठीक है। तो ये वही है 100 में से 33 होगा, आगे फिर क्या 3, 3, 3 ही चलता जाएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके, इसके साथ, इसके साथ 14 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा 14 × 3 = 24, और 4 कितना हो गया, सॉरी 42, ठीक है। 42 और 4, 6, फिर क्या है ऐसे ही, उसके बाद क्या है फिर 6, 6, ठीक है। यहाँ इसका 6, इसका 6, इसका 6, 6, 6, और ये क्या है 4, ये आ गया स्टूडेंट्स। इतनी क्या चाहिए, इतने ग्राम, राइट। तो किलोग्राम बना दो कितना हो जाएगा 46.66 केजी, राइट। अब देखो अब ये क्या है, अब यहाँ भी देखो, यानी कि 46.66 किलोग्राम के लिए क्या है 10 किलोग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो 50 किलोग्राम के लिए क्या चाहिए हमारे पास कितनी है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए क्या है, अब ये हाइड्रोजन है और ये क्या नाइट्रोजन है, तो 50 किलोग्राम के लिए क्या है डेफिनेटली ही क्या है 10 किलोग्राम से ज़्यादा ही चाहिए, राइट। तो वो तो 50 है ना, वो तो एक्सेस अमाउंट में हो गई, हमारे पास इससे तो ज़्यादा है ना, तो ये क्या है 50 किलोग्राम है, सॉरी ये 50 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है, तो 50 के लिए क्या है 10 से ज़्यादा ही चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से भी आप क्या है कैलकुलेट कर सकते हो। तो कमी कौन है, कमी किसकी रह गई, लिमिटिंग किसकी है हाइड्रोजन गैस की। तो क्या है यहाँ पर लिमिटिंग रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही होगा। एक बात कर लिया, लिमिटिंग रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस ही होगा, राइट। तो आपने इस तरह से स्टूडेंट्स देख लेना है, आपने उसका क्या मोलर मास निकाल लेना है, सभी का मोलर मास निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बस ये तीन ही बातें हैं, बस इसमें मोल कॉन्सेप्ट में है ये तीन बात, और क्या है तीन बात क्या है 6 सेकंड की है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता अभी 20 वीडियो बनाओ आप, क्या है 20 लेक्चर बनाओ, या फिर क्या है बहुत सारे लेक्चर बनाओ, उसके ऊपर कितने भी बनाओ। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, आप क्या लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे, ईजी है। आपने क्या करना, उसका मोलर मास लिखना सभी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है जितनी अमाउंट दी है उसकी रिएक्शन आपने कंप्लीट करवा दी। भी 28 ग्राम 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या 50 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो 10 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो यहाँ से क्या है एक आपका क्या है आंसर क्लियर हो गया, क्या हाइड्रोजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हेयर हाइड्रोजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मैं समझा रहा था, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या हम कैलकुलेशन होगी, जो रिजल्ट जो हमारा आएगा, किसकी अमाउंट पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है भाई अमोनिया की कितनी बनेंगे, ठीक है। यहाँ मोल्स में पूछ ली, कई बार क्या मास में भी पूछ सकता है,
तो आपने क्या है मोल्स में कुछ टीचर्स क्या करवा रहे हैं मेरे को नहीं पता, वो पहले इनको मोल में कैलकुलेट करवा रहे हैं फिर उसका मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई भी जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो आप क्या सीधी 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 बात ले लो, क्या भाई 6 ग्राम क्या है हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है किसके साथ, इसके साथ 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ। अब इसके ऊपर तो देख रहे हैं रिजल्ट, हमने इसके ऊपर देखना है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये क्या लेस अमाउंट में। तो कितने मोल अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं, 2 मोल, ठीक है, मोल्स में पूछ रहा है तो 2 मोल्स, ठीक है। 6 ग्राम के रिएक्शन से, हाइड्रोजन की रिएक्शन से क्या है कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 ग्राम, सॉरी 2 मोल्स, ठीक है। अगर वो वेट पूछ रहा होता तो आप क्या 34 ग्राम ले, राइट। अब सीधा है, हमने तो मोल लेना, स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन क्यों आई थी, ये इजी करने के लिए आई थी, ये कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला दिया क्यों था, ये इजी करने के लिए दिया था ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। किसी ने ये सोच के जिसने बनाया है, जिसने क्या कहा है स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन से आप सोल्व कर लो, वो इजी करने के लिए दिया गया है। आजकल क्या है कॉन्सेप्ट ट्रेंड चल पड़ा, उसको डिफिकल्ट बनाते हैं जानबूझकर, यानी कि क्वेश्चन इतना होता है उसको इतना बड़ा बनाते हैं ताकि उसको उलझा के दिखा दिया जाए बच्चों को, और एक क्या हवा क्रिएट कर दिया जाए भाई, हाँ पता नहीं क्या है, वहाँ कोचिंग लो वहाँ जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इजी के लिए बनाया गया था। तो उसके बाद क्या हमारे पास है कितनी, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम मतलब 1 2 3 4, ठीक है, कितनी 10,000 ग्राम भाई, इतनी ग्राम हाइड्रोजन कितनी कितनी मोल प्रोड्यूस करेगी, तो बताओ इसमें कौन सी बड़ी कैलकुलेशन लगानी है ही क्या इसके अंदर, क्या होगा 2 by 6 into 10,000, ठीक है, ये 3 हो गया, अब वो 3 से भाग दोगे कितना आ गया 3 3 3 3, और इतने इतने मोल्स क्या हमारा आंसर आ गया, ठीक है, राइट, ये क्या है आंसर आ गया। बस इतना ही आपने करना, अगर वेट में पूछ रहा है यहाँ पर क्या है मास भी पूछ लेता तो आपने क्या लेना, 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी भाई, कितना 34 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, क्या 10,000 ग्राम प्रोड्यूस करेगी, 34 by 6 into 10,000, आप इसको सोल्व कर देंगे, बहुत ही इजी है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट डाउट क्या है, इसको रब करते हैं भाई, और स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशन के लिए क्या है और मोल कॉन्सेप्ट के लिए क्या है मैंने वीडियो डाल रखी, आप क्या सर्च करोगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स L13, आगे लिखना आपने KCC विजय और कालकोट, ठीक है, ये अपने आप ही आ जाएगा, विजय कालकोट लिख दोगे तब भी क्या आप अपने आप ही सर्च आ जाएगा वहां पर क्या है, आप उसको कंप्लीट वीडियो भी आप वहां पर देख सकते हो। तो नेक्स्ट लेते स्टूडेंट्स, मेरे पास आया हुआ है, भेजा था, यस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट है भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया अंडर सूटेबल कंडीशन then the limiting reagent is भाई ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है H2, नेक्स्ट है भाई N2, 3 दिया भाई इन्होंने NH3, 4 दे रहा भाई नो वन रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स चलिए इसमें देख लेते भाई, देखो क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ले रहा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म
अमोनिया अंडर द सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन दे दी तो क्या अमोनिया इजीली बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिमिटिंग रिएजेंट बताना, बहुत इजी से आप समझ जाओगे, इक्वल वॉल्यूम देगा तो ठीक है, इक्वल देगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, फिर रिएक्शन लिखो, वही रिएक्शन लिखनी होगी आपने क्या, एन टू प्लस एच टू, ठीक है, दोनों गैसेज है, हैबर प्रोसेस है, तो और निकिल प्लेटिनम हम देते हैं, वो आपको पता ही है क्या अमोनिया गैस बनाएगी, एन एस थ्री अमोनिया, राइट। तो फिर वही है, इसको बैलेंस करो भाई, ये क्या है यहाँ टू और यहाँ क्या है थ्री, राइट, ठीक है। अब देखो इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो इसका इस रिएक्शन से ही आपने समझना, बस स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है। अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, क्या है भाई, क्या 2.4 लीटर है ये, ठीक है, ये थ्री टाइम्स है, तो क्या करोगे, थ्री इंटू 2.4 लीटर, उसके बाद क्या है कितनी प्रोड्यूस होगी भाई, 2 × 22.4 लीटर, ठीक है। या फिर आप क्या है सिंपल सिंपल मोल से भी कर सकते हो भाई, ये क्या है 1 मोल, और हाइड्रोजन का क्या स्टूडेंट्स 3 मोल, और यहाँ पर क्या है 2 मोल्स, राइट। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, बहुत आंखें बंद करके सोचो, बिल्कुल हाँ आंखें बंद करके, तो यहाँ से देखो भाई, 1 मोल क्या है नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, यानी कि इतने लीटर क्या है, इतने लीटर नाइट्रोजन गैस को कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसका 3 टाइम्स क्या हाइड्रोजन चाहिए। अगर हम इक्वल कर देते हैं, इक्वल मीन्स क्या है, इसकी अमाउंट भी क्या है, हम ये भी कितनी कर देते हैं भाई, इसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ये भी हम क्या कर दे 1 मोल कर दे, ठीक है 1 मोल, या फिर क्या कर दे 22.4 लीटर कर दे भाई, तो ये क्या, ये तो इनसफिशियंट रह गए, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन के लिए तो क्या चाहिए 3 मोल्स चाहिए। तो इक्वल वॉल्यूम लेगा तो क्या है, कम कौन सी रहेगी हाइड्रोजन गैस। फिर से देखो, क्या अगर 1 मोल रिएक्शन के लिए क्या है 3 मोल क्या चाहिए हाइड्रोजन के हमें चाहिए, अगर हम इक्वल कर देते हैं, सपोज करो इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर क्या 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल कर दें, तो क्या है ये कमी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी, या फिर क्या इसको भी 3 मोल कर दें, इसको भी 3 मोल कर दें। अब 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 3 मोल के लिए कितने चाहिए 9 मोल्स, तो फिर भी क्या है कम क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी, तो इसलिए क्या है हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते भाई, नेक्स्ट क्या है इसका, बस यही होगा और इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट दिया है इन्होंने, यस 10 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 on reaction with HCl HCl forms liter of chlorine gas. ठीक है, गैस है भाई एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, द परसेंटेज इंप्योरिटी ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज, ये कैलकुलेट करनी है भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक और बात याद रखो भाई, इस टाइप की अगर देगा तो क्या है रिएक्शन आपको अपने आप ही साथ देगा, इजी वाले रिएक्शन नहीं देता, बट क्या इस टाइप की रिएक्शन देगा। इसने रिएक्शन दी है भाई, क्या दिया, MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस 2H2, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या आंसर भी दे रहा है,
सॉरी 87%, सेकेंड है भाई 25%, थर्ड है 33.3% और फोर्थ है भाई 13%। ठीक है, तो पहले क्या आपने स्टूडेंट्स क्या है इसको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। ये कह रहा भाई 10 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड ओन रिएक्शन विद HCl किसके साथ भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या है, क्या बनाती है, फॉर्म्स 2.24 लीटर ऑफ क्लोरीन एट NTP। द परसेंटेज इंप्योरिटी ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज, ये आपने बतानी है राइट। उसके बाद क्या है रिएक्शन क्या दे रहा स्टूडेंट्स, ये दे रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl MnCl2 और क्या क्लोरीन गैस H2O। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वही आपने क्या करना, हमने क्या करना, हमने कुछ भी नहीं करना, स्टिकोमेट्री कैलकुलेशन करनी है। क्या भाई देखो ये दे रही है कितनी 10 ग्राम, ठीक है, ये रिएक्शन करके और क्या दे रही है कितनी लीटर दे रही है, कितनी 0.1 लीटर। तो हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो भाई इतने, इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो हमारे इसके स्टीकियोमीट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है रिजल्ट, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स इसका क्या है, यहाँ मैं ले लेता हूँ इसका क्या मास निकालो आप कितना हो जाएगा। तो मैग्नीज का एटॉमिक मास होता भाई 55 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता 16 और ये क्या है 2 टाइम्स है तो कितना हो गया 32 यानी कि 87 ग्राम। ठीक है, 87 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करता अगर HCl के साथ, हमें नहीं पता कितना, आपने वो कैलकुलेट ही नहीं करना जब वो पूछ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या क्लोरीन गैस कितनी दे रहा है, क्लोरीन गैस 1 मोल यानी कि क्या है 22.4 लीटर। ठीक है 22.4 लीटर राइट। तो बस इन्हीं की कैलकुलेशन आपने करनी है, बस देखो क्या है 22.4 लीटर कैलोरीन गैस के लिए हमें जरूरत है, कितनी जरूरत है, कितने ग्राम, या फिर क्या रिक्वायर्स लिख सकते हो भाई 78 ग्राम MnO2 राइट। हमारे पास है कितना 2.24 लीटर राइट। तो इसके लिए कितने कितने की जरूरत होगी, सीधी सी बात है इतने क्लोरीन के लिए कितनी जरूरत होगी, बहुत सिंपल सी बात है भाई 1 पॉइंट इस साइड है, इधर भी क्या 1 पॉइंट इस साइड कर दो 8.7 ग्राम। ठीक है, या फिर आप कैलकुलेट कर लो सिंपल, ये तो देखो मैंने सिंपल बताया सीधे, इसका 1 पॉइंट इधर है, ये भी क्या इधर है, तो इसका भी इधर कर दो, अदरवाइज क्या आप सिंपल यूनिटरी मेथड से कर लो भाई क्या है 22.4 × 2.24 राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे × 10 राइट, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे 1 to 100 कर दें, इससे क्या ये क्रॉस हो गया, इससे क्या ये क्रॉस हो गया, तो हमारा क्या आ गया 0.8 ग्राम राइट। यानी कि हमें इतने लीटर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इतने ग्राम की जरूरत थी। ठीक है, क्या इतने ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड की जरूरत थी। ठीक है, और यहाँ पर दे कितनी रहा है 10 ग्राम, तो जो बाकी बच गई स्टूडेंट्स वो क्या है इम्प्योरिटी ही बच गई। ठीक है, कितनी इम्प्योरिटी बच गई 10 - 8.7 ग्राम, बस आपने और कुछ भी नहीं करना, यहीं से कैलकुलेट कर लेना भाई, यहाँ से भी आप सिंपल देख सकते हो इतने लीटर के लिए क्या है इतने ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर क्या 2.24 लीटर के लिए 1 पॉइंट इधर आ गया, तो यहाँ पर क्या बहुत सिंपल कर सकते हो 8.7 ग्राम बस। ठीक है, बाकी क्या जरूरत तो इतनी थी बट क्या है यूज कितनी हो रही है 10 ग्राम, तो बाकी क्या इम्प्योरिटी यूज हो रही है, इम्प्योरिटी कितनी है इसमें से ये माइनस कर दो तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1.3 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम के ऊपर क्या है इतनी हमारी इम्प्योरिटी यूज हो रही है। तो क्या परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज सीधी सी बात है भाई 10 पे कितनी हो रही है 1.3। ठीक है, तो 100 पर कितनी होगी ये इंटू 100 कर दो राइट। उसके बाद क्या है
100 करोगे तो क्या, ये जीरो हटाएंगे, ये क्या है जीरो, ये जीरो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 13%। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया 13%। आपने बस स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन कर ली और इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने वो सारी की सारी चीज़ें देखनी ही नहीं है, नए नंबर ऑफ मोल्स बनाने, नए इनका मोलिकुलर मास बनाना है, नए ही आपने कुछ भी नहीं करना, जो जो जिसके बारे में पूछ रहा वही उठाना। बहुत सिंपली क्या है, अगर इसकी बात करा, क्लोरीन की बात करा, इससे आप समझ जाओ वन मोल है तो क्या है इतने लीटर है, बस उसमें दे रहा इतने लीटर के लिए हमें जरूरत कितनी है इतने ग्राम की, राइट। ग्राम और लीटर में भी तो कैलकुलेशन कर सकते, जरूरी नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक इसलिए दिया है ताकि क्या है आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाए, रिएक्शन में क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, अब क्या इतने के लिए क्या 1.87 ग्राम, बट क्या है यूज कितनी हो रही है 10 ग्राम, तो बाकी क्या 1.3 ग्राम क्या है इम्प्योरिटी है, भाई 10 पे इतनी हो रही है तो 100 पे कितनी होगी 13%, सीधी सी बात है। तो ये क्या हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है, इसको हम कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स कहाँ गया, यस, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोल HCl सोल्यूशन। मोलर HCl सोल्यूशन, राइट। तो देखो भाई स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या है, आपने मोलरिटी वाला वीडियो आपने देखना था। तो मोलरिटी में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या, जब ये समझ जाओगे तो आप क्या बहुत इजी से समझ जाओगे, यानी कि इतने मोलर HCl सोल्यूशन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, मोलर का, मोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, 0.5 मोल्स ऑफ HCl आर डिजोल्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन, राइट। 1 लीटर सोल्यूशन को क्या सेंटीमीटर में कर लो, थाउजेंड्स सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी कह देते वैसे इसको, सेंटीमीटर क्यूब सीसी, ठीक है। अब ये ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखा नहीं, राइट। तो बहुत सिंपल ही कैलकुलेशन बन गई भाई, इसमें तो क्या है बिल्कुल भी कुछ बचा ही नहीं, लिखते ही बन गई। जब अगर आप ये समझ जाओगे तो ये अपने आप ही समझ जाओगे, बहुत इजी सी कैलकुलेशन, ठीक है। मैं देखो रिवर्स कर दो, क्या इतने सीसी क्या है सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए में कितना है 0.5 मोल्स, हमारे पास है कितना सॉल्यूशन इतनी सीसी, यानी कि उसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है क्या 250, राइट। तो इसको क्या करो भाई, 0.5 थाउजेंड्स इंटू 250, राइट, हटा दो, ठीक है, पॉइंट हटा दो, जीरो बट गई एक और, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट सोल्व कर लो, ठीक है, कैसे होगा, इसको ये जीरो से जीरो गए, ये क्या है जीरो और ये क्या है 4 0, राइट, ठीक है। ये क्या है 8, यानी कि 1/8 आ गया, ठीक है। इसको भाग दे दो भाई, कितना आ जाएगा, इसको भाग दोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0.125, 0.125 या फिर 0.125 मोल्स, बस इतने मोल्स आ गया। किसने कह रहा मोल्स, ठीक है, ग्राम बना दो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, वेट भी पूछ रहा है साथ साथ, वेट में वेट बना दोगे आप, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। वेट कैसे होगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई, मास बाई
मोलर मास, ठीक है। इसलिए मैं क्या स्टूडेंट्स इसको कभी भी गिवन मास नहीं कहता, क्योंकि पूछता ही ये है, ये गिवन नहीं होता है। नाइन्थ क्लास तक गिवन होता था, वो गिवन गिवन पता नहीं क्यों क्रेमिंग करवा देते हैं, गिवन पूछा ही ये जाता है, ठीक है। देखो ये हमारा निकल गया, ये आप उसी कैलकुलेट कर ही लोगे, तो क्या है डब्ल्यू क्या आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा भाई, एन इंटू एम बस, राइट। उसके बाद क्या है, एन हमारा कितना 0.125 इंटू एम कितना आ जाएगा, कितना होता भाई 35.5 क्लोरीन का होता और हाइड्रोजन का 1 होता, तो यानी कि कितना हो गया भाई 36.5, राइट। तो इसकी आपने कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या है उतने क्या आ जाएगा, उतने ग्राम, ग्राम में आ जाएगा भाई, वो क्या है आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपने करनी है भाई, इसकी कैलकुलेशन आपने करनी, ये मैं नहीं करूँगा, मेरे को आती भी नहीं, ठीक है, राइट। तो ये आपने कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, कितना भाई मास क्या ग्राम HCl का ये मास आ जाएगा, तो राइट। तो स्टूडेंट्स बस इतने ही आए थे आज, प्रॉब्लम इतनी ही थी, नेक्स्ट टाइम क्या है आप प्रॉब्लम भेजो तो लेक्चर तब लेंगे भाई डाउट्स, जब क्या है 8-10 प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी, तो ज़्यादा सी भेजना अब की बार, आप क्या है उसको हम सोल्व करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट से कितनी भी प्रॉब्लम हो हम उसको सोल्व करेंगे, मोल कोई भी बड़ी बात है ही नहीं, मेरे को नहीं पता और मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों बना रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट, एक वो वीडियो भी क्या है उसमें क्या है एनसैट ने नाम लिया भाई सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपके बच जाते हैं, बस आप मोल कॉन्सेप्ट के चक्कर में रहते हैं। और क्या है स्टूडेंट्स जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के टेस्ट होते हैं उसमें प्लस वन का ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू प्लस टू क्लास, ट्वेल्थ क्लास में तो ऑब्जर्व कर ही लेता है वो किससे बोर्ड के एग्जाम से, बट क्या प्लस वन से बहुत ज़्यादा आता है भाई, मेन्स में भी बहुत ज़्यादा आता है, और इसलिए क्या प्लस वन क्लास को बहुत अच्छे से आपने क्या है स्टडी करना चाहिए वहाँ पर। और क्या आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए और क्या है अगर प्रॉब्लम है तो आप फिर मेरे पास क्या है कमेंट सेक्शन में भेज देना, थैंक यू।